अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आजकल तुर्की के सीरियल अर्दुल गाजी को लेकर पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। कई गैर मुस्लिम देशों ने तो इसके दिखाने पर प्रतिबंध तक लगा दिया है, पर ये लोग देखकर हैरान और परेशान है कि सऊदी जैसे मुस्लिम देशों को क्या परेशानी है, जो वो भी इस नाटक को दिखाने से परहेज कर रहे हैं। तो नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से 1923 में खिलाफत उस्मानिया खत्म हुई और अंग्रेजों ने खिलाफत उस्मानिया, जिसने की आधी दुनिया पर 600 साल से ज्यादा लंबे समय तक शासन किया, और अगर पूरी दुनिया में कहीं भी मुसलमानों पर कोई जुर्म हुआ तो तुर्की की खिलाफत उस्मानिया उसका मुंह तोड़ जवाब देती। तो अब हम आपको बताते हैं कि अंग्रेजों ने किस तरीके के हथकंडे अपनाए और 1923 में खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ। जब अंग्रेजों ने देखा कि पूरी दुनिया में इस्लाम की ताकत बढ़ती जा रही है और चारों तरफ इस्लाम का झंडा लहरा रहा है, तो उसने वही अपनी पुरानी नीति फूट डालो और राज करो अपनानी शुरू कर दी और अरेबिक देशों में ऐसे लोगों को मुसलमान बनाकर भेजना शुरू कर दिया जो बड़ी अच्छी अरबी बोलते थे। और ऐसे लोगों ने अरब के लोगों को भड़काना शुरू किया कि तुम अरेबिक हो और ये तुर्की के लोग आप पर हुकूमत कर रहे हैं। ऐसा ही एक आदमी था जो कि लॉरेंस ऑफ अरबन के नाम से मशहूर हुआ और इस पर एक हॉलीवुड मूवी भी बनी है। इसके बारे में आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। ये शख्स ईसाई था पर बड़ी अच्छी अरबी बोला करता था और इसने अरब के मुसलमानों को खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। जब सुन्नी मुसलमानों ने इसका विरोध किया तो फिर अंग्रेजों ने अपनी दूसरी चालें चलनी शुरू कर दी और फिर एक दूसरे आदमी को खड़ा किया जिसका नाम हंत्र था। इसके बारे में भी आप गूगल और विकिपीडिया पर चेक कर सकते हैं। हंत्री की मुलाकात अब्दुल वहाब नजदी से हुई और एक कबीले के सरदार इब्ने सऊद से हुई। हंत्री ने इब्ने सऊद को यहाँ का हुक्मरान बनाने का लालच दिया, जिसमें वो कामयाब हो गया और इब्ने सऊद ने अपनी सेना के साथ यहाँ पर हमला कर दिया और हरम शरीफ में तुर्कों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है और मक्का मदीना और तायफ जैसे पाक शहरों में खून बहना शुरू कर दिया गया है और इन पाक शहरों में लाखों बेगुनाह मुसलमानों का खून बहा दिया गया है। जब हुकूमत उस्मानिया ने देखा कि इन पाक शहरों में किस हैवानियत के साथ सऊद की सेना मुसलमानों का खून बहा रही है, तो हुकूमत उस्मानिया ने ये ऐलान कर दिया कि वो इन पाक शहरों में मुसलमानों का इस तरीके से खून बहता नहीं देख सकती और उसने ऐलान कर दिया कि हम अरब से खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करके वापस अपने मुल्क तुर्की जाना चाहते हैं। बस उसी दिन से खिलाफत उस्मानिया का जवाल का वक्त शुरू हो गया और पहली बार हिजाज मुकद्दस का नाम बदल दिया गया और इसको नाम बदल कर इब्ने सऊद ने अपने नाम पर सऊदी अरब रख दिया और जनतुल बाकी और जनतुल मुअल्ला में जितनी भी साहिबे इकराम और अहले बेयत की जितनी भी मजारत थी उन पर बुलडोजर चला दिया गया और उन तमाम मजारत को जमीन से मिला दिया गया। और एक बात और, जो भी हरम शरीफ में बड़े बड़े दरवाजे और जो निशानियां साहिबे इकराम और अहले बैत के नाम पर थे उन सब को बदल कर आले सऊद के नाम पर कर दिया गया है। और जिस दिन अरब पर सऊद की हुकूमत हुई उस दिन अरब में एक बहुत बड़ा जश्न मनाया गया जिसमें अमेरिकी, इंग्लैंड और बहुत से ईसाई देशों के हुक्मरानों ने भाग लिया और जिस अरब के नाम से ये ईसाई देश कभी कांपते थे आज उसका उल्टा हो रहा है और सऊदी अरब इन ईसाई मुल्कों के हाथ की कठपुतली बना हुआ है। अब आप समझ गए होंगे कि अर्तुगरुल गाजी का विरोध क्यों हो रहा है। नाजरीन, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें
और साथ में दिए घंटी के निशान को जरूर दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। इसी के साथ अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं या हमसे कोई शिकायत है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अल्लाह हाफिज़।